नमस्कार, मैं भाषा और आप देख रहे हैं न्यूज क्लिक पर खोज खबर कार्यक्रम। इस समय देश में ऑल इज वेल, सब चंगा है। देश कोरोना के मामले में दुनिया में नए अगर केसेस देखिए तो नंबर वन पर पहुंच गया अमेरिका और ब्राजील को पछाड़ दिया है हमने। पूरा का पूरा कोरोना का लेके जो ग्राफ चल रहा है, इसमें भारत का जो हाल है, निश्चित तौर पर हम नंबर वन पर हर मामले में पहुंच ही जाएंगे। लेकिन मूड चेंज करने के लिए बाढ़ हो, उस पर हम कितनी कवरेज देंगे वह अलग बात है, लेकिन हमारे जो टीआरपी के भूखी मीडिया चैनल्स हैं, वे लगातार दिखाते हैं कि किस तरह से सारी देशभक्ति, सारा कंसर्न, जो अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का जो आत्महत्या हुई उस मामले में लगातार नए नए टीआरपी के फंडे आपके सामने आ रहे हैं। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से सीबीआई की जांच ऑर्डर की है, उसने जबरदस्त इसमें छौक लगाई है। मिलोर्ड को इससे पहले जस्टिस लोया के मामले में, जो बहुत ही एक अहम केस था, वो जिस तरह से जांच कर रहे थे जस्टिस लोया, उनकी जो मौत हुई, जो हत्या का पूरा मामला बना, वहां पे सीबीआई नहीं हुई, क्योंकि मिलोर्ड तो तय करेंगे कि प्रायोरिटी किस मामले में है। और यहां पर आप देखिए एक और बहुत दिलचस्प चीज दिखाई देती है कि जम्मू कश्मीर की जो पूर्व मुख्यमंत्री रही महबूबा मुफ्ती, वो लंबे समय से गिरफ्तार चल रही हैं, एक साल से अधिक समय हो गया। उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने हैबियस कॉर्पस डाली फरवरी में, 18 मार्च को सुनवाई की तारीख होने मिली, अभी तक कुछ नहीं हुआ। आखिर मिलोर्ड तो मिलोर्ड है। निश्चित तौर पे ऑल इज वेल, सब बढ़िया चल रहा है। जितना भी दमन है, जितना भी एक तरफा कवरेज है, उसमें भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस लिजलिजाते दंडवत होते समय में भी अपनी रीढ़ की मजबूती को कायम रखे हुए हैं। आप सही सोच रहे होंगे कि हम प्रशांत भूषण के बारे में बात करने जा रहे हैं। वही प्रशांत भूषण जो सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील हैं, जिनके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना का मामला दायर किया और 24 दिन के भीतर भीतर सारा का मामला सुनवाई पर हो गई, सजा तक मामला आ पहुंचा। लेकिन उससे पहले एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुआ है, बहुत एक अहम घटनाक्रम हमारे सामने आया है, मुंबई हाई कोर्ट का। मुंबई हाई कोर्ट का यह फैसला पूरे देश भर में पढ़ा जाना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़े भ्रम, नफरत की राजनीति की धुरी को बेनकाब करता है। मुंबई हाई कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि जिस तरह से कोरोना का जब संकट भारत में बढ़ा, उस समय जो तबलीगी जमात का मरकज हुआ था निजामुद्दीन में, यहां देश की राजधानी में, उसमें विदेश से जो लोग आए हुए थे, उनको जिस तरह से नफरत से टारगेट किया गया, उन्हें ही कोरोना फैलाने वाला बताया गया, वह सब झूठ था, वह सब मैलाफाइड था, उसमें सच्चाई जरा नहीं थी। और बहुत ही कठोर कठिन शब्द इस्तेमाल किए हैं मुंबई हाई कोर्ट ने इस मामले में। जितने विदेशी तबलीगी जमात के लोग थे जिन पे एफआईआर की, सारी एफआईआर उन्होंने रद्द कर दी, और साथ ही यह भी कहा कि जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वह बलि का बकरा बनाने के लिए, खोजने के लिए इन तबलीगी लोगों को इस्तेमाल कर रही थी। और इस फैसले में जो दो पृष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो बहुत जरूरी हैं, जिन्हें अभी आपको हम दिखाएंगे स्क्रीन पर, वह बताते हैं कि किस तरह से यह पूरा का पूरा मामला, जिस तरह से बिल्डअप किया गया, जिस तरह से दिखाया गया, 24 घंटे टीवी चैनल दिखा रहे थे, यहां पर इस फैसले में वह भी जिक्र किया गया है कि मीडिया ने जिस तरह से ट्रायल किया, जिस तरह से इन लोगों को दोषी करार दिया, वह एक बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा दिखाई देता है। वह कहते हैं कि मीडिया ने जो भूमिका निभाई उस पर तीखी फटकार मुंबई हाई कोर्ट ने इसमें लगाई है, और साथ ही साथ सरकार की भूमिका पर भी सवाल उठाया है कि आखिर किस तरह से अलग से जो ब्रीफिंग, आपको और हमें याद होगा और याद रखना चाहिए कि उस दौरान जब सरकारें ब्रीफिंग करती थी, बताती थी कोरोना स्टेटस के बारे में, तो तबलीगी जमात से लोगों के बारे में अलग से आंकड़े पेश किए जाते थे,
मानो ये लोग अलग ढंग से कोरोना को लेकर आए और इन्होंने देश भर में फैलाया। आपको याद होगा बहुत से टीवी चैनल्स, बहुत से वरिष्ठ पत्रकार लगातार 24 घंटे बता रहे थे कि किस तरह से ये प्लान था, किस तरह से ये ऑर्गेनाइज था। और साथ ही साथ मुंबई हाईकोर्ट ने यह भी कहा है अपने फैसले में, बहुत अहम बात कही है, कि मुसलमानों के प्रति ये नफरत उस समय से शुरू हुई जब नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ, एनआरसी के खिलाफ मुसलमानों का एक बड़ा हिस्सा जनवरी से सड़कों पर उतरा, और वहां से इसको लिंक करते हुए मुंबई हाई कोर्ट इसे प्रेजेंट सिनेरियो में आज की तारीख तक ले गया है। ये जो काम किया है मुंबई हाई कोर्ट ने, निश्चित तौर पर जिस तरह का माहौल बना है, जिस तरह से हाई कोर्ट्स और तमाम जो न्यायपालिका पे सवाल उठ रहे हैं, वहां एक आशा की किरण जगाने वाला फैसला मुंबई हाई कोर्ट का है। इसी क्रम में हमें याद आते हैं प्रशांत भूषण, जिनके मामले में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। प्रशांत भूषण को जिस तरह से घेरा गया, जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उन्होंने कोर्ट की अवमानना की है, उन्हें सजा सुनाई जाएगी, और आप देखिए कि इस एक शख्स ने, यह सिर्फ एक शख्स नहीं और यह उसका इंडिविजुअल केस नहीं है, यहां यह समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहां निशाने पर अभिव्यक्ति की आजादी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन है। इसलिए प्रशांत भूषण ने खुलेआम कहा कि आप मुझे सजा सुनाइए मिलॉर्ड, मुझे और समय नहीं चाहिए, मैं माफी नहीं मांगूंगा, और चीफ जस्टिस के बारे में जो मैंने ट्वीट किए, दो ट्वीट वे वापस नहीं लूंगा। और इस तरह से कोर्ट जो भी फैसला सुनाए, आज कल परसों नरसों जब भी, क्योंकि दोषी तो वह मान चुका है, लेकिन प्रशांत भूषण केस अपने तई निश्चित तौर पर जीत गए हैं, और जिस तरह की रीढ़ की हड्डी की मजबूती उन्होंने दिखाई, क्योंकि यह पहली बार नहीं है कि उन्होंने सत्ता को चुनौती दी। आपको याद रखना चाहिए कि वही प्रशांत भूषण हैं जिन्होंने कांग्रेस सरकार को भी नाको चने चबाए थे, उन्होंने 2G स्पेक्ट्रम के मामले पे, तमाम भ्रष्टाचार के मामले पे लगातार वे बोलते रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी, जो न्यायिक पारदर्शिता है, उसके बारे में वे लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे हैं, और उनका मानना है कि अगर न्यायपालिकाएं पारदर्शी नहीं होंगी तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। लिहाजा यह केस, इसका अंत कुछ भी हो, किधर भी जाए, इसने जो सवाल उठाए हैं वह लोकतंत्र के बुनियादी सवाल हैं, और जिस तरह से एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रशांत भूषण के पीछे खड़ा हुआ है, उसने यह भी दिखाया है कि लोकतंत्र को बचाने वाले लोगों की तादाद भी कम नहीं है। इस संदर्भ में जस्टिस कन्नन की भी बात होती है, जस्टिस कन्नन जिन्होंने शुरुआत में बहुत अहम सवाल उठाए थे, न्यायपालिका में जाति का सवाल उठाया था, न्यायपालिका में भ्रष्टाचार का सवाल उठाया था, वह आगे कहां गया मामला उसकी बात छोड़िए, लेकिन आज की तारीख में जो लोग प्रशांत भूषण पर बात करने के लिए तैयार नहीं, वह कन्नन पे बात करना चाहते हैं। मेरा कहना है बहुत अच्छा है, आपको कन्नन पे उस समय भी कैंपेन चलाया जाना चाहिए था। कन्नन, जस्टिस कन्नन ने जब बुनियादी सवाल उठाया था कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है, न्यायपालिका में जातिवाद है, तब अगर इसी तरह का समर्थन मिलता तो शायद वह जो पूरा उनका आक्रोश और जरूरी सवाल थे उसे सही दिशा मिलती, वह सही दिशा नहीं मिल पाई। लेकिन अगर उस समय सही दिशा नहीं मिल पाई, यह सोचकर हम आज यह नहीं कह सकते कि सही दिशा में जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, जो भी सवाल उठाए जा रहे हैं, और जिस तरह की निरंकुश सत्ता है उसमें प्रशांत भूषण का सवाल उठाना या प्रशांत भूषण के पक्ष में खड़ा होना जायज नहीं है। मेरा बहुत स्पष्ट मानना है, और मुझे लगता है कि हम सबकी तादाद बहुत होगी, कि न्यायपालिका में पारदर्शिता, इसमें घुसा हुआ भ्रष्टाचार, इसमें जातिवाद, इसमें महिला विरोधी सोच इतनी तगड़ी है कि बहुत लंबी लड़ाई लड़नी जरूरी है, और इसमें लड़ाई लड़ने वालों को एक साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है, कम से कम आज की तारीख में। एक बहुत अहम बात, हम अभिव्यक्ति की आजादी की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं,
यहाँ एक खबर जो छपी है वो बहुत मजेदार खबर है, उसे पढ़ा जाना चाहिए। वह खबर छपी है इंडियन एक्सप्रेस में। इसमें बताया है कि जनवरी से लेकर अब तक सुप्रीम कोर्ट में अभिव्यक्ति की आजादी से संबंधित जो मामले आए उसमें सरकार का और सुप्रीम कोर्ट का क्या रवैया रहा। बहुत दिलचस्प है ये अपने आप में। इसमें साफ यह रिपोर्ट बताती है कि जिन मामलों में सरकार ने, सरकारी पक्ष ने, सरकारी वकीलों ने विरोध नहीं किया, यानी याचिकर्ता के वो पक्ष में खड़े हुए, वहां सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी को सुरक्षित रखा। मिसाल के तौर पर रिपब्लिक टीवी, आप समझ ही गए होंगे, अर्णब गोस्वामी, प्यारे मृदु भाषी अर्णब गोस्वामी, जो बिल्कुल चीखते चिल्लाते नहीं, किसी पे कोई आरोप नहीं लगाते, वह जब पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी पर अनर्गल आरोप लगाया था, चीखे थे चिल्लाए थे, मामला बन रहा था, तब सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें तुरंत राहत दी थी। और वहां पर आप पाएंगे जो केस हुआ था वहां सरकार ने उनके पक्ष में ही बैटिंग की थी। इसी तरह से आप पाएंगे कि अमीश देवगन, जो नेटवर्क 18 के जर्नलिस्ट हैं, उन पर जब मामला बना तब भी सरकार उनके पक्ष में खड़ी हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा की। इसी तरह से एक और पत्रकार जिनका जिक्र इस रिपोर्ट में है, नूपुर शर्मा, उनके मामले में भी सरकार ने उनका पक्ष लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फेवरेबल जजमेंट दिया। और कहने की जरूरत नहीं है कि यह पत्रकार गोदी मीडिया के हैं, मोदी मीडिया के हैं या भक्तों की टोली का हिस्सा है। दोस्तों, यह बहुत जरूरी है कि कितना भी माहौल गमगीन क्यों ना हो, कितना ही माहौल भारी क्यों ना हो, न्याय मिलना कितना ही मुश्किल क्यों ना दिखता हो, लेकिन अगर हमें लगता है कि सच हमारे साथ है तो हमें उसके साथ मजबूती से खड़ा होना और मजबूती से बोलना बेहद जरूरी है। न्यूज क्लिक में खुशखबर कार्यक्रम में हम आपकी मदद के साथ यह करते आए हैं, करते रहेंगे। देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। न्यूज क्लिक खुशखबर, शुक्रिया।